अजय पाल शर्मा की पत्नी ने जिस किस्म के दावे किए थे, गाजियाबाद के रजिस्टर विवाह कार्यालय ने जिसकी पुष्टि की है, दीप्ति शर्मा नाम की महिला ने पत्नी होने का दावा किया था और अब उसका दावा फर्जी निकला है। दीप्ति शर्मा ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। साल 2016 में गाजियाबाद में शादी की रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, मगर जांच पड़ताल के बाद में पत्नी का दावा गलत पाया गया। हालांकि उसी दावे के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इसके बाद में पुलिस या जांच पड़ताल चल रही थी, जिसमें गाजियाबाद के रजिस्ट्रार विवाह कार्यालय ने अब इसकी पुष्टि कर दी है कि दीप्ति शर्मा नाम के महिला से शादी अजयपाल शर्मा की नहीं हुई थी। तो दीप्ति शर्मा ने दरअसल एक एफआईआर दर्ज करा करके पत्नी होने का दावा किया था। साल 2016 में, यानी कि 4 साल पहले, शादी के रजिस्ट्रेशन के कागज भी उसने पेश किया था। तो पिछले 4 वर्षों से जिस मामले से जूझ रहे थे, या एक आरोप था दीप्ति शर्मा की तरफ से लगाया गया, एक ऐसा आरोप था, मगर अब उस आरोप से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं।